हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना पीजे कसाना एक बार फिर से हाजिर हूं एक शानदार वीडियो के साथ। आप सभी ने स्लीपर या हवाई चप्पल का नाम ज़रूर सुना होगा या पहनते होंगे। तो स्लीपर को हवाई चप्पल क्यों कहते हैं, कभी ये बात जानने की कोशिश की? नहीं, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। तो आज हम आपको बताते हैं इसी के बारे में। दुनिया में हर प्रोजेक्ट का नाम काफ़ी सोच समझ कर रखा जाता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। प्रोडक्ट बनाने वाले अक्सर उसका नाम कुछ ऐसा रखते हैं जिससे उसकी उपयोगिता का पता चलता हो। जैसे पानी में तैरने वाले को जहाज और हवा में उड़ने वाले को हवाई जहाज कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पैरों में पहनी जाने वाली स्लीपर को, जो ज़्यादातर घर के अंदर ही रहती है, उन्हें हवाई चप्पल क्यों कहते हैं? इतिहासकारों के मुताबिक अमेरिका में एक आइलैंड है, इसका नाम है हवाई। इस आइलैंड पर एक खास किस्म का पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ को टी कहकर पुकारा जाता है और इसी पेड़ से एक खास किस्म का फैब्रिक बनता है। इस फैब्रिक से जो चप्पलें बनाई जाती हैं उन्हें हवाई चप्पल कहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जो चप्पल है अमेरिकी आइलैंड हवाई के पेड़ की फैब्रिक से बनाई गई है, उन्हें हवाई चप्पल कहते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि अमेरिकी आइलैंड हवाई से इन चप्पलों को ये नाम मिला है। हवाई में टी नाम के एक पेड़ से रबर नुमा फैब्रिक बनता है जिससे चप्पलें बना करती। हालांकि उनका डिज़ाइन हवाई चप्पल कही जाने वाली चप्पलों से अलग था, वैसे हवाई चप्पलों के तार हवाई के साथ साथ जापान से भी जुड़ते हैं। हवाई चप्पलों का डिज़ाइन जापान में पहनी जाने वाली फ्लैट स्लीपर्स जोरी या हाई हील सैंडल्स गेटा से मिलता जुलता है। बताया जाता है कि 1880 में खेत और कारखानों में काम करने के लिए जापान के ग्रामीण इलाकों से मजदूर हवाई लाए गए और उन्हीं के साथ चप्पलों का डिज़ाइन भी हवाई जैसा बनाया गया। पैरों में पहनने के लिए एक आरामदायक वस्तु दुनिया के कई देशों में बनाई जाती है। जापान में इसी तरह की स्लीपर बनाई जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका की हवाई चप्पल का डिज़ाइन जापान से लिया गया है। अमेरिका में बनी हवाई चप्पल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सैनिकों ने उपयोग की। सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने कारण अमेरिका की हवाई चप्पल दुनिया भर में मशहूर हो गई। हवाई चप्पल को सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है, ये पैरों के लिए आरामदायक है। हवाई चप्पल पहनकर चलने से किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। ब्राज़ील में जूता चप्पल बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका नाम है हवाई नाच। ये कंपनी फ्लिप फ्लॉप चप्पल बनाता है। 1962 में इस कंपनी ने रबड़ की चप्पलें बनाना शुरू किया। वहाँ की चप्पलों को फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। ये उत्पाद भी सफ़ेद और नीले रंग का था, जो हवाई चप्पलों का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन डिज़ाइन होता है। हवाई नाच कंपनी ने अपने उत्पाद को दुनिया भर में सप्लाई किया। लोगों ने इसे ही हवाई चप्पल मान लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रोम रोम जी।